नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर मणि। दोस्तों आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं कि सेक्स करने के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी चेक करना चाहिए, प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों कोई भी वीडियो देखते समय उसको स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। दोस्तों प्रेगनेंसी टेस्ट का रिजल्ट तब ज्यादा सही माना जाता है जब उसे सही समय पर चेक किया जाए। कई बार गलत समय पर और गलत तरीके से चेक करने पर उसका रिजल्ट सही नहीं मिल पाता, इसलिए सभी महिलाओं को यह पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए और कब नहीं करना और सेक्स के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करनी चाहिए। पीरियड न आना भी प्रेगनेंसी रुकने का कारण माना जाता है। इसे रुकने का कोई और भी वजह हो सकता है, इसलिए आपको चेक करना जरूरी होता है। दोस्तों आप लोगों का सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि पीरियड ना आने के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करनी चाहिए। दोस्तों प्रेगनेंसी तब पता लगाया जा सकता है जब महिला के खून में HCG हरा होने लगे। ज्यादातर महिलाओं में इस प्रोसेस को पूरा करने में 6 से 7 दिन लग जाते हैं। अगर आपका पीरियड पहले सही था और उस डेट पर आपका पीरियड नहीं आया है तो आप 1 हफ्ते बाद प्रेगनेंसी चेक कर सकती हैं, क्योंकि इससे पहले चेक करने पर आपका प्रेगनेंसी का जो रिजल्ट है वो सही नहीं बताएगा। इसलिए आप 1 हफ्ते बाद ही चेक करें तो सबसे बढ़िया रिजल्ट आपको प्राप्त होगा, क्योंकि पीरियड के डेट के पहले अगर आप चेक कर रही हैं तो आपका रिजल्ट जो है वो निगेटिव ही बताएगा, पॉजिटिव नहीं बताएगा। और जल्दबाजी में कभी भी टेस्ट किट से सही रिजल्ट नहीं मिल पाता, तो कभी कभी अच्छे से अच्छा गर्भ निरोधक तरीका भी फेल हो जाता है। और प्रेग्नेंट होने के लिए केवल एक ही स्पर्म को एग तक पहुंचना रहता है। अगर इसके बाद आपको लगे तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती हैं या करवा सकती हैं। आप कई तरह से टेस्ट करने के लिए अपना यूरिन प्रयोग कर सकते हैं और ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप टेस्ट किस तरह कर रही हैं। अगर पीरियड मिस होने के 1 हफ्ते बाद प्रेगनेंसी चेक किया जाए तो 99% रिजल्ट सही आता है। 1% जो है वो आपके चेक करने के तरीके के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह प्रेगनेंसी चेक की है, और आप घर बैठे ही जान सकती हैं कि आप प्रेगनेंट हैं कि नहीं। अगर आपका पीरियड मिस हो गया है और मासिक धर्म में परिवर्तन होने लगा है तो आप प्रेगनेंसी चेक कर सकती हैं। प्रेगनेंसी में हार्मोन्स ज्यादा बढ़ने के कारण आपका ब्रेस्ट छूने पर दर्द करने लगता है, और मतली आना, भूख ना लगना, थकान लगना और बार बार पलटी होना और बार बार पेशाब होने की समस्या अगर आपको बन रही है तो आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। और अगर आपके शरीर में इस तरह का बदलाव आपको दिखे तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती हैं। तो सेक्स करने के बाद अगर आपका पीरियड उस डेट पर नहीं आया है उसके 1 हफ्ते बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती हैं, और तभी इसका रिजल्ट 100% सही बताएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं है। इसलिए पीरियड का जो डेट है उसके 7 दिन बाद अगर आप चेक कर रही हैं तो 100% आपका रिजल्ट सही आएगा और सही बताएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो बनता ही है। दोस्तों नेक्स्ट अगले वीडियो में इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करता रहूंगा, तो मेरे अगले वीडियो पर आप बने रहें। दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।